अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग बैक हेयर स्टाइल बनाते हैं कि जो पार्टी में, शादी में, जो ओपन हेयर पे बैक पे बनाएंगे और अच्छा लग, बहुत ज़्यादा अच्छा। और इन भी है ये मेहंदी वगैरह के फंक्शन भी आप लोग बना सकते हैं। तो बेसिकली तो जो हेयर स्टाइल बनाने से पहले हम लोग हेयर को प्रिपेयर करते हैं, वो तो हम लोग ब्लो ड्राई करते हैं। तो ये थे फ्रीजी हेयर, तो मैंने स्ट्रेटनर से ही बस इसको मैंने प्रिपेयर किया था। ये रिवाज का सीरम है, ये मैंने 3 से 4 ड्रॉप अपने हाथ में लेके तो सारे बालों पे ये बैक लेंथ में मैंने लगा दी है अच्छी तरह। तो फिर मैंने इसको कॉम किया है और थोड़ी थोड़ी मैंने इसको लेके एक्सटेंड थोड़े थोड़े लेके तो मैंने जो है स्ट्रेट किए हैं बालों को, क्योंकि बालों में बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बाल था इस तरह। तो ये मैंने स्लोन डिज़ाइनर का लिया स्ट्रेटनर। स्लोन डिज़ाइनर का स्ट्रेटनर नॉट आउट बहुत ज़्यादा अच्छा है और हीट काफ़ी अच्छी इसकी होती है, और एक ही दफ़ा करने से बहुत जल्दी बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। तो आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। आप लोग अगर इस तरह करेंगे तो हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा ना नीट और प्यारा लगेगा। ये मैंने सारे बालों पर मैंने स्ट्रेटनर कर लिया हुआ था। तो जो आज हम लोग हेयर स्टाइल बनाने जा रहे हैं, ये बैंगल, एक हम लोग बैंगल की मदद से बैक साइड पर एक प्यारी सी ब्रीड के ज़रिए हम लोग बू बनाएंगे, जैसे वो टाई सी बन जाते हैं अबू, वो वाली हम लोग बनाएंगे। तो आपने इसी तरह फ्रंट के, जो आप फ्रंट पे हेयर स्टाइल बना सकते हैं, तो मैंने फ्रंट का नहीं बनाया था, मैंने जस्ट बैक का बनाया था। फ्रंट पे आप बैक कमिंग कर सकते हैं कुछ भी करके बैक पे हेयर करके। तो दरमियान वाले हेयर आपने इस तरह छोड़ देने हैं, तो दो आपने एक्सटेंड लेने हैं, तो दोनों को लेके अच्छी तरह आप कॉम करके अपने हैंड में पकड़ लेना है। तो दोनों तरफ से देख लेना है, इक्वली अपनी जो आपकी ब्रो लाइन है आगे से उसी तरफ से आपने दोनों साइड से बराबर बाल उठाने हैं और इस तरह दो एक्सटेंड लेके बालों के। तो इस तरह आपने चूड़ी जो है उसके अंदर डाल के, तो मैंने लेके एक पिन लेके उसकी मदद से मैंने जो चूड़ी है, जो बैंगल, उसको मैंने होल्ड कर दिया कि वो नीचे ना गिरे। और बालों को दोनों साइड से आपने लेना है और आपने 3 एक्सटैंड लेके जिस तरह हम चुटिया करते हैं, तो आपने भी इसी तरह चुटिया करते जाना है। और चुटिया करते जैसे हम लोग फ्रेंच टेल करते हैं, दूसरी एक साइड से बाल लेते हैं, तो जो हमारी बैंगल के अंदर हेयर हमने छोड़े हुए हैं वो नीचे वाली साइड से नहीं लेने। ये मैंने क्लोज़ किया है ताकि आपको सही से नज़र आए। तो आपको पता ही है अकेले वीडियो बनाना मुश्किल होता है, मोबाइल को होल्ड करना, तो इस तरह ये आपने ऊपर वाली साइड से आपने लेनी है। छोटे छोटे एक्सटेंड लेके आपने चुटिया के अंदर आपने करते जाना है, चुटिया आपने बनाते जाना है फ्रेंच टेल की तरह, नीचे से नहीं लेनी, फिर वो आपका सही नीट नहीं बनेगा। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ और क्लियर हो, आप लोगों को सही से समझ आए। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी और आप लोगों को किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, हेयर स्टाइल पे चाहिए या स्किन पॉलिश वैक्सिंग वगैरह पे, जो भी आप लोग चाहें तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए ज़रूर। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करें, मुझे सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, तो मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँगी। तो इसी तरह आपने दूसरी साइड से भी आपने चुटिया करते जाना है, तो चुटिया करके लेके आना है साइड से, बिल्कुल कान के ऊपर साइड पे जो हमारे साइड के हेयर होते हैं वहाँ से आपने लेके आना है और साथ एक एक एक्सटेंड ब्रीक ब्रीक लेते आना है, और आपने वो भी आपने उसके अंदर करके और आपने वो एक छोटी सी ब्रीड बनाते आना है। जो आप ब्रीड बना लेंगे अच्छे से वो एक बू बन जाएगी, तो वो साथ आपने जो है सेपरेट करते जाना है बालों को। तो फिर आपने वो जो पिन है ऊपर वो उसको आपने निकाल देना है, तो आपकी जो है बैंगल उसके अंदर सही से हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी, वो नहीं गिरेगी। मैंने अपने दोनों साइड के ब्रीड को पकड़ के रबर बैंड से बैंड बुला देना, हाथ से अच्छे से सेट कर देना और ब्रश कर देना, आपका हेयर स्टाइल खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बन जाएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।